हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल द फाइनेंस बॉक्स के अंदर। आप किसी भी बिजनेस इंक्वायरी के लिए या एडवाइस के लिए आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। तो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आप जानेंगे कि जो बिजनेस है वो किस तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। तो बिजनेस स्टार्ट हम तीन तरीके से कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर, या फिर पार्टनरशिप, या फिर प्रोप्राइटरशिप। अब इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है ये हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा MCA के अंदर, और जनरली इसकी जो कॉस्ट है वो 10 से 15 हज़ार रुपये की आती है। उसके बाद आपको कंपनी का पैन कार्ड मिल जाता है जब आप रजिस्टर करा लेते हैं, MCA की तरफ से एक सिन नंबर मिल जाता है और डायरेक्टर्स के DIN नंबर मिल जाते हैं आपको। फिर हर बिजनेस के अंदर आपको GST नंबर लेना ही लेना है, तो कंपनी के केस में भी आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, और इसकी जो जनरली कॉस्ट रहेगी वो 3 से 5 हज़ार रुपये की रहेगी। उसके बाद आपको अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराने ही कराने हैं। हर महीने आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराने होंगे कंपनी के, जिसकी कॉस्ट आपकी 3 से 5 हज़ार रुपये की रहेगी पर मंथ की। उसके बाद आपको ऑडिट करानी होगी, ऑडिट कंपलसरी होती है कंपनी के केस में कराना, और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो एक CA के द्वारा इशू करी जाती है, और इसकी जो कॉस्ट है वो जनरली 15 से 20 हज़ार रुपये रहती है एक स्टार्टअप के लिए। फिर साल के लास्ट में आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी कंपनी की, साथ में MCA पे फाइलिंग करनी होगी काफ़ी सारे स्टेचुटरी फॉर्म्स की, तो उसकी जो कॉस्ट है वो जनरली 10 हज़ार रुपये करीब आ जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक कंपनी को चलाने में जो आपका साल का खर्चा आएगा वो 1 लाख रुपये तक आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप जो है वो दो तरीके की होती है, LLP और नॉर्मल। तो सबसे पहले बात करते हैं LLP की। LLP को आपको इनकॉर्पोरेट कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा MCA में, जिसकी आपकी कॉस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये की आएगी। उसके बाद आपको पैन कार्ड मिल जाएगा LLP का, सिन नंबर मिल जाएगा MCA की तरफ से, और पार्टनर्स के डेजिनेटेड पिन नंबर मिल जाएंगे। और जो GST नंबर है वो हर बिजनेस में लेना है आपको, 3 से 5 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट रहेगी LLP के अंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन कराने होंगे LLP के, जो कि मैंडेटरी है, और जिनकी जो कॉस्ट है वो 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ रहेगी। और साथ में जो ऑडिट है, ऑडिट कराना जो है वो डिपेंड करता है टर्नओवर पर। अगर आपकी LLP की टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस करती है तो आपको ऑडिट करानी है, अदरवाइज तो आपको ऑडिट नहीं करानी है। फिर साथ में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी LLP की, MCA में फाइलिंग करनी होगी, जिसकी कॉस्ट आपकी अराउंड 5K हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो टोटल कॉस्ट जो आपकी आएगी एक पार्टनरशिप फर्म जो कि LLP है उसको रन करने की, जो एनुअल कॉस्ट आपकी रहेगी वो 45 हज़ार के आसपास रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप की, मतलब अदर देन LLP। तो नॉर्मल पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन में आपके 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। जनरली MCA से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, एक सिंपल सी पार्टनरशिप डीड बनानी है, और वो जो डीड बनाने का जो खर्चा है जो CA जनरली लेते हैं वो 3-1 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे पार्टनरशिप डीड बनाने की। इसके थ्रू होगा क्या कि वो आपको आपके पार्टनरशिप का पैन कार्ड दे देंगे। फिर उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा पार्टनरशिप का, जो 3 से 5 हज़ार रुपये का रहेगा। उसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करा सकते हैं पार्टनरशिप के, और अगर आप चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना कराएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको इन बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कराएंगे या नहीं कराएंगे। उसके बाद ऑडिट, जो ऑडिट की लिमिट है वो टर्नओवर लिमिट है, जो LLP की लिमिट रहती है ऑडिट की, वही हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप की लिमिट रहती है। और उसके बाद ITR, ITR हमें केवल पार्टनरशिप की फाइलिंग करनी होगी, MCA के अंदर कोई भी फाइलिंग नहीं करनी है, क्योंकि MCA से हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया है। तो देखा जाए तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है पार्टनरशिप फर्म को चलाने की वो अराउंड 15,000 के आसपास रहेगी। उसके बाद बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप नॉर्मल जैसे किराना की स्टोर होती है कि आपने कोई भी दुकान खोली, दुकान खोल के आप बैठ गए, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिशियन है तो आपने अपनी दुकान खोली, वहां दुकान खोल के आप बैठ गए, तो इस तरीके से होती है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि जो मालिक, जो हमने अपनी दुकान खोली, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, तो जो मेरा पैन कार्ड है वही पैन कार्ड चलेगा इसमें, आपको
कोई अलग से पैन कार्ड नहीं लेना है, आपका अपना पैन कार्ड इसमें चलेगा। और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका, वो भी आप ही के पैन कार्ड पे रहेगा, अपने पैन कार्ड पे। आपको कंपनी का या फिर पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, अपने पैन कार्ड पे ही आपको जीएसटी का नंबर मिल जाएगा, जो जनरली 1000 रुपीज के आसपास मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना कराओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जो कॉस्ट है जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कराने की, वो 1000 रुपीज के आसपास रहती है पर मंथ की। उसके बाद जो ऑडिट की लिमिट है, वो ऑडिट यहाँ पे कराना कंपलसरी नहीं है, ना ही कोई टर्नओवर कंडीशन लिमिट है, तो ऑडिट नहीं कराएंगे हम। उसके बाद जो आईटीआर है, वो हमें सिंपल आईटीआर फाइल करनी होगी अपनी, जो हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं पर्सनल आईटीआर, वही कवर अप रहेगी इसमें भी। और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई अलग से आईटीआर फाइल नहीं करनी है, जो आपको अपनी आईटीआर है वही फाइल करनी है बस। उसके बाद मतलब देखा जाए तो टोटल कॉस्ट जो है वो अराउंड 10,000 के आसपास आपकी रहेगी, इससे ज्यादा कॉस्ट आपकी नहीं रहेगी। तो हमने तीनों ही बिजनेस के बारे में जान लिया, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो कौन सी बेस्ट है आप जान सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं आपके हमें हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।